जो हमारा बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसके तहत जो राम गंगा नगर आवासीय योजना के तहत हम लोग प्लॉट्स का जो दिवाली के इस त्यौहार पर लॉन्च कर रहे हैं, लगभग 919 हमारे आवासीय प्लॉट हैं, 233 हमारे फ्लैट्स और मकान हैं। इसके अलावा हमारे 54 जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो हमारे ट्रांसपोर्ट नगर और राम गंगा योजना में ही हैं, इसके आज यहाँ पर प्रेस वार्ता बुलाई थी। इसके लिए हमारे जो रेट हैं लगभग आवासीय प्लॉटों के 16,660 स्क्वायर मीटर के हिसाब से हैं। इसमें हम लोग सेक्टर 3, 4, 5, 6, 7 और 9 को लॉन्च कर रहे हैं। हमारा जो 45 मीटर चौड़ाई का जो रोड था उस पर भी कार्य चालू हो चुका है। साइंस पार्क का भी कार्य हमारा मौके पर चालू हो चुका है। जो भी यहाँ पर हमारे बरेली वासी हैं, जो भी इच्छुक आवेदन करता है, जो भी एक सपना रखते हैं कि एक भूखंड उनका हो और एक उनका घर हो, तो उसमें आवेदन वो 10 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर या फिर हमारा जो हेल्प डेस्क है उसके व्हाट्सएप नंबर पे और या ऑफलाइन से भी वह आवेदन कर सकता है। उसका ऑनलाइन कराने का सुविधा बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में हम लोगों ने हेल्प डेस्क के जरिए किया है। कितनी बड़ी सर योजना मानते हैं, कितना बड़ा बरेली शहर के लिए लाभदायक रहेगा आपका ये योजना, क्योंकि पिछली योजना बहुत ज़्यादा कोई पॉपुलर नहीं हो पाई। देखिए रामगंगा जो योजना है, आप लोग जैसे जान रहे हैं कि बरेली में अब एयरपोर्ट भी आ गया है। रामगंगा जो योजना है उसका अगर हम लोग भूगोलिक स्थिति देखें तो एयरपोर्ट से लगभग 15 मिनट की दूरी पर है और सैटेलाइट बस अड्डे से और रेलवे स्टेशन से भी बहुत निकट है, लगभग 10 से 5 मिनट के रास्ते पर है। इसके अलावा जो आसपास का जो विकास है वहाँ पर दोनों ओर से हमारा हाईवे गया हुआ है। हमारा पूरा डेवलपमेंट का जो प्लान है इसमें जो अथॉरिटी को करना है, चाहे बिजली का काम हो, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट का हो, चाहे ड्रेनेज का काम हो, चाहे रोड बनाने का काम हो, उसका लेआउट प्लान हम लोगों ने तैयार कर लिया है। जैसे ही हम लोगों के वित्तीय संसाधन इस सेलआउट से आते हैं तत्काल हम लोग वहाँ पर काम चालू कराएंगे। दूसरा एक हमारा साइंस पार्क है, उसका बजट साइंस एवं औद्योगिक विभाग से स्वीकृत है। वीडियो को उसमें से बाउंड्री बनानी है और बाउंड्री का टेंडर हो चुका है और मौके पर काम चालू है और ठेकेदारों से भी मैंने वार्ता करी थी, वो इसको तय सीमा के अंदर का रोड है, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लेंथ में लंबाई में है, 3 मीटर का डिवाइडर वाला रोड है। ये जो रामगंगा की जो योजना है इसको बीचों बीच से ये पास होता है और हमारे मूल से इसमें सेक्टर 9, 6, 4, 5 आते हैं जो एक तरह से इसका जो वैल्यू पर 1 महीने के अंदर तैयार करेंगे, जिससे कि ये हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा जो रोड है इस तरह से शेप में आएगा। इसके अलावा देखिए अथॉरिटी के जो वित्तीय संसाधन है वो लिमिटेड है, यानी कि आप लोग समझते ही हैं कि अथॉरिटी अपना ही एक्सपेंडिचर